चैनल कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो फ्रेंड्स। हमेशा की तरह सब्जी बना रही हूँ देखिए, और आटा गूंदने की तैयारी चल रही है। आज का पूरा व्लॉग आप सभी के साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ वीडियो को पूरी देखना, एंड पसंद आए व्लॉग को तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज है अहोई अष्टमी, आप सभी को हैप्पी अहोई अष्टमी मेरी ओर से। एंड मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट्स में बताना। ओए होए 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 होए, क्या गिर गया पानी नीचे देखिए। एक हो रहा है, मैं नीचे गिर गया। तो फ्रेंड्स देखिए, सब्जी हमारे बनकर रेडी हो गई है। ये मैंने मीठी पूरी का आटा गूंद लिया है, और इसके बनेंगे पूड़े, यानी कि गुलगुले भी बोलते हैं इनको। और हरा धनिया भी मैंने कट करके रख लिया है। सब्जी बनने के बाद मैंने हरा धनिया डाल दिया है। देखिए इसमें सब्जी हमारी अच्छे से बनकर रेडी हो गई है। और ये मेरा अहोई अष्टमी का व्लॉग है, और अब मैं इसको एडिट कर रही हूँ। आज बड़ी हिम्मत करके मैं बैठी हूँ। मैंने कहा आज तो ये मुझे व्लॉग एडिट करना ही है, और ये मुझे अपलोड करना ही है, क्योंकि क्रंच वीडियो पर तो येलो डॉलर आ रहा है, इसलिए क्रंच वीडियो भी आप सबको नहीं मिलेंगी। ये देखिए, ये मैं यहाँ पर बना रही हूँ पूड़े। मीठी पूड़ियाँ तो मैंने बना ली है, पूड़े बना रही हूँ मैं यहाँ पर। और बच्चे बना रहे थे यहाँ पर वीडियो, इसलिए मोबाइल को हिला डुला रहे थे। सो फ्रेंड्स, इतने दिनों बाद वैसे तो ये व्लॉग मिल रहा है आप सबको। अभी तक तो सब अहोई अष्टमी की बातें वगैरह कुछ होता है क्या होता है सब भूल भी गए होंगे, लेकिन मैं क्या करूं, आजकल मतलब पहले त्यौहार थे उनमें बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं, और स्कूल वगैरह होता रहता है तो कुछ ना कुछ बिजी रूटीन चलता ही रहता है। और अभी मैं सोच रही हूँ, मेरे मोबाइल की स्टोरेज इतनी ज़्यादा भर गई है ना, बहुत ज़्यादा, तो ये वीडियोस है मैंने सोचा जिसको मैं एडिट करती हूँ, और अपलोड करने के बाद ये जो भरी हुई है वीडियो फ़ोन में, मैं इनको डिलीट कर दूंगी। तो देखिए मेरा खाना वगैरह सब बन गया है, यहाँ मैंने साड़ी भी रख दी है, यहाँ पर पूजने की तैयारी चल रही है। ऐसे पूजते हैं हमारे यहाँ पर, आपके यहाँ पर कैसे पूजते हैं प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताना फ्रेंड्स। तो देखिए, ये देखिए यहाँ पर मैंने पूड़े रख दिए हैं, करवे के ऊपर भी पूड़े रखे जाते हैं हमारे यहाँ। और मेरी साड़ी कैसी लगी आप सबको प्लीज़ कमेंट्स में बताना। ये वाली साड़ी मैंने वही अष्टमी के लिए रेडी की थी। वैसे तो पहले मैं दूसरी पहनने वाली थी, लेकिन फिर मुझे ये अच्छी लगी, ये वाली पहन ली। और ये वाली जो ब्लाउज की जो स्लीव्स हैं, ये मैंने रात में रेडी की थी, क्योंकि स्लीव्स जो थी वो मुझे अच्छी नहीं लगी थी ब्लाउज की, तो ये इसलिए उटपटांगी बनी हुई हैं, सही नहीं है यानी कि। और पार्थ मेरे पास बैठ गया है, पार्थ को मैंने सुबह ही न्यू कपड़े पहना दिए थे, बट ये तो है ना बहुत ज़्यादा शैतान, तो इसने न्यू कपड़े निकाल दिए थे, इसे गर्मी लग रही थी। मैंने न्यू कपड़े ऑर्डर किए थे इसके मीशो से। लास्ट में मैं एक पार्थ की पिक लगा दूंगी, उसमें देखना बताना आप सबको कैसे लगे मीशो की ये कपड़े। अच्छे थे वैसे डेली यूज़ के लिए। पट गया है, अभी हम दे देते हैं अपना बायना और माता रानी को भोग लगा देते हैं। यहाँ पर मैं तो हमेशा मम्मी को ही देती हूँ बायना, साड़ी वगैरह सब निकाल दी, इसमें पैसे वैसे सब रख दिए हैं मैंने। और बच्चों को भी लगी है भूख, क्योंकि पूरी देखने के बाद तो बच्चों को और ज़्यादा भूख लगती है। और वहाँ की कहानी वगैरह सुनने का मैंने करवा चौथ का व्लॉग तो बनाया था, लेकिन इस बार नहीं बनाया है, क्योंकि जल्दी जल्दी में ही हो जाता है सब कुछ, एक दिन की तो छुट्टी मिलती है, एक तो ये भी है, और उसी में त्यौहार, उसी में वीडियो वगैरह सब करना होता है, फ़ोटो वगैरह, तो इसलिए मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई कुछ भी। और पार्थ यहाँ पर बैठा हुआ है बिल्कुल मेरे पास में, देख रहा है क्या क्या करना है मुझे, कैसे कैसे करना है, और हाथ भी जोड़ रहा था ये।
का। अरग में दे के आ गई हूँ, सारी निकल गई है क्योंकि अष्टमी के व्रत में सारी से व्रत खोलते हैं। तो अभी मैं अपना व्रत खोलने जा रही हूँ, नहीं आ रही हूँ बारी में। मेरा व्रत अपने आप पीने की लग रही है, खुल गया। नहीं तुम्हें नहीं पीना ठंडा पानी, ये तुम्हें खांसी हो रही है, इन दोनों को बहुत खांसी हो रही है। ये है मेरी साड़ी आज की, अभी तक मैंने पूरा लुक आप सबको दिखाया नहीं था। एक मिनट में और पीऊँगी, भी मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं साड़ी चेंज करूँगी और मैं फिर बनाऊँगी बाकी बचा हुआ खाना। आज के ब्लॉग का यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से ब्लॉग में, दीपावली ब्लॉग में। सो बाय एवरीवन, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स। बाय बाय, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। घर पे उतना हमने कर दिया है, बच्चे खुश हो जाते हैं, बच्चों का मन खुश करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत तो करना ही होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं बड़ा वाला जो बैलून होता है उसी को फुला रही थी और ये ना बहुत मुश्किल से फूल रहे थे। मेरा मुंह भी दुखने लगा था, पूरा मेरा माउथ दुखने लगा था इनको फुलाते फुलाते, बहुत हार्ड होते हैं ना ये। और पंप मैंने अभी मंगाया नहीं है, जब मैं पंप मंगा लूँगी फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सोच रही हूँ वानी के बर्थडे पर मंगाऊँगी। और वानी के डैडी भी अभी आए थे, वानी के डैडी बार बार वानी को बोल रहे थे मेरी वीडियो मत बना, मेरी वीडियो मत बना, ऐसे ही करते हैं हर बारी। मैंने भी गर्मी की वजह से ज़्यादा कुछ नहीं पहना, ये लोअर टी शर्ट ही डाले हुए हैं। बच्चों ने बस नए कपड़े पहने हुए हैं क्योंकि बच्चे को तो बर्थडे की वजह से गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। पार्थ जब हुआ था उस दिन भी बहुत गर्मी थी, और अगस्त में हमेशा ही गर्मी होती है वैसे तो, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, रिकॉर्ड तोड़ दिया था गर्मी ने, इसीलिए हमने कुछ खाना वगैरह भी नहीं बनाया था आज के दिन। और ये पार्ट का बर्थडे था 5 अगस्त को, और ये ब्लॉग मैं आज एडिट कर रही हूँ क्योंकि आप सबको पता ही है स्कूल जाती हूँ ना मैं, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। सो फ्रेंड्स, आप सबको आज का ब्लॉग कैसा लगेगा प्लीज़ कमेंट में बताना, एंड नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि वीडियोस भी नहीं आ पाती है, सब्सक्राइबर बिल्कुल अटक गए हैं, बढ़ ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। एंड प्लीज़ कमेंट करके बताना पार्थ कैसा लग रहा था आज, पार्थ का बर्थडे था जैसे कि, बहुत सुंदर लग रहा था पार्थ इन कपड़ों में। देखिए वानी के डैडी लगा रहे हैं यहाँ पर हैप्पी बर्थडे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मम्मा ने सजाए वो सारे बैलून, और आज है मम्मा ने सजाया बहुत सारे बैलून क्योंकि आज है पार्थ का बर्थडे। मामा और कर रही हैं और बैलून सजा रही हैं, और अब थोड़ी देर में मम्मा कान्हा जी को रेडी करेंगे। बस ये तो गिर जाएगा अभी जलाए। एक बैलून गिर गया, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सारी तैयारी हो रही है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मम्मा ने कान्हा जी को नए कपड़े पहना रही है क्योंकि आज है कान्हा जी और पार्थ का बर्थडे। पार्थ कान्हा जी के बाल दे दे मुझे। और ये देखिए मम्मा यहाँ पर कान्हा जी को ड्रेस बना रही है, नई वाली छोटी छोटी में कहती दुकान वाले को, छोटी और ड्रेस की नहीं देखी आ रही है से। बहुत सुंदर लग रही है और अब देखते हैं मम्मा पहनाएंगी मम्मा माला। मम्मा कौन सी माला पहनाओगी, दो माला है यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, कांजी ने ड्रेस पहन लिया और अब मम्मा कांजी को माला पहना रही है। आगे चढ़ जा पार्क सोनी, पार्क गिरो। वाह बहुत सुंदर लग रही है, ये तो पहनने जाने का ये भी माला है।
इसका क्या करेंगे? ये वो तो मम्मा ही बताएंगे। क्या माला नहीं आई? ये पटका खाना जी का, देखो सुंदर लग रही है माला। पटका? पटका क्या होता है पता ना, वही बता दे दुकान वाले। पटका दे इसको ले जाना। इसको बांधना कहाँ है? बांधना नहीं, गले में गिरा है बस। ये काना जी का पटका है ऐसे। अच्छा काना जी, ये काना जी की चुन्नी है। इंग्लिश में पट्टा बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं चुन्नी, क्योंकि ऐसी चुन्नी होती है। वीडियो बने, वीडियो देख। और ये देखिए फ्रेंड्स, काना जी को लंबा, काना जी का इत्र लगा रही है। काना जी कितने सुंदर लग रहे हैं देखिए फ्रेंड्स। मम्मा काना जी का नेमू खुला रही है। बिल्कुल अच्छे से बनाइए केक की तरफ देखते हुए, ताकि केक पूरा आए। मारी आ गई माजी, आ जाओ पार्क का बर्थडे सेलिब्रेट कर लो। नहीं अभी उतर के बता। सारे उतर रहे हैं। केक कितना सुंदर लग रहा है मम्मा। मैंने तेरे से ये चूज करने को कहा था, डैडी ये ले लो, तो डैडी ने यही ले लिया। और इतने सारे केस, इतने सारे बैस बता दिए। चलो ऐसे लगाते हैं। हाँ। दूर 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 यहाँ दूर दूर आराम से हाथ पे बंद लगवा लेके आराम से, है ना? वेरी गुड, ऐसे लगा लो। यू ज्यादा दादी हो रही, वेरी गुड लगा दे। बस बस बस, बस लग बस। गया बीच में लगा दे एक इसको, इसको लगा दे, जल्दी लगा दे। माफी कर, बस बीच लगा, अभी इसको लगा। फोर वाला बीच में लगेगा। नहीं बेटी तू गिरा देगा, वीडियो बना नहीं दे रहा बिल्कुल भी। एक तो ये बनाने वाली है, ऐसी है बस। ये देखिए फ्रेंड्स, सज गया है। एक से सर जला दे, ऐसे ऐसे तो दीवान पे बैठ जाएगा, है ना? रहने दे वाली भी बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? देखिए मेरी न्यू वॉच आप सबने देखी है, मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी। तो भाई यू लेटर हमने वेट कर लिया है थोड़ी देर के लिए, तो देखते हैं इसको क्रंच करके। ये डोगी जरूर बोलते हैं जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। कल की वीडियो में भी ऐसा ही हुआ था। कल वाला जो क्ले रोल था वो मैंने फुल स्वेलो नहीं किया था, क्योंकि वो ना फुल बेक्ड था, तो फुल बेक्ड होने के कारण बहुत ज़्यादा क्रंची और हार्ड था, इसलिए लास्ट में मैंने स्वेलो नहीं किया था। हाफ स्वेलो किया था, हाफ नहीं, हाफ से भी ज़्यादा स्वेलो कर लिया था। टेस्ट में टेस्ट बहुत अच्छा था।
ये वाला हिस्सा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था, ये अभी थोड़ा हार्ड है। बट मुझे इतना ही खाना था, बिग बाइट ले ली थी लेकिन सॉफ्ट खाना था, बहुत ही हार्डी और बहुत सॉफ्ट, बहुत ही मी। क्योंकि ना हार्ड टेस्ट नहीं आ रहा इसमें हार्ड में। बाहर कोई आ गया है, बाय बाय, गेट खोलने जा रही हूँ, आने के डैडी होंगे पक्का।